सो जदों की स्कीम पंजाब से लागू हुई है देश के दे लागू हुई है लगातार घपड़िया का शिकार हो रही है। पहला अकाली दल बीजेपी वाले ने 1200 करोड़ का घपला किया, हुण जिहड़ा हैगा कांग्रेस पार्टी ने घपला किया, लगातार घपले हो रहे हैं कि 1850 करोड़ रुपए की राशि जी रोकी हुई है पंजाब सरकार ने, वो दुरवरतों हो रही है, वो कारण लगभग पंजाब के 2 लाख दलित विद्यार्थी गरीब विद्यार्थी पेपर देने तो वांझे रह रहे हैं। सो पंजाब सरकार का मुढ़ला फर्ज बनता है कि मुढ़ली जी जिम्मेवारी है कि उन्होंने पैसे देवे। अज मैं एक लैटर जिहड़ा है पंजाब के मानयोग डीजीपी साहब नूं लिखिया है कि पंजाब के फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ और दूजे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होवे जिन्होंने इस पैसे की डाइवर्ट किया गया, यह पैसा किसी होर थां ते लाया, उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। देखो केंद्र सरकार पंजाब के मतरेई माड़ा सलूक करती है, लगातार पंजाब के लोगों की बांह मरोड़ रही है, क्योंकि केंद्र को लग रहा कि पंजाब का किसान इन्हां तिना काले कानूनों का विरोध कर रहा, पंजाब का किसान लीड रह रहा, देश के किसान जिहड़े उन्होंने खिलाफ ने। विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा जी साडे नाल मौजूद है, गल करते हैं, अज्ज प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की गई तुहाडे वल्लों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नूं लैके, की कहना चाहते? देखो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जी पंजाब के देश के शड्यूल कास्ट शड्यूल ट्राइब्स बच्चों के लिए है जो मैट्रिक तो बाद पढ़ते हैं। सो जदों की स्कीम पंजाब लागू हुई है देश के लागू हुई है लगातार घपड़िया का शिकार हो रही है। पहला अकाली दल बीजेपी वाले ने 1200 करोड़ का घपला किया, हुण जिहड़ा हैगा कांग्रेस पार्टी ने घपला किया, लगातार घपले हो रहे हैं कि 1850 करोड़ रुपए की राशि जी रोकी हुई है पंजाब सरकार ने, वो दुरवरतों हो रही है, वो कारण लगभग पंजाब के 2 लाख दलित विद्यार्थी गरीब विद्यार्थी पेपर देने तो वांझे रह रहे हैं। सो पंजाब सरकार का मुढ़ला फर्ज बनता है मुढ़ली जी जिम्मेवारी है कि उन्होंने पैसे देवे। अज मैं एक लैटर जिहड़ा है पंजाब के मानयोग डीजीपी साहब नूं लिखिया है कि पंजाब के फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ और दूजे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होवे जिन्होंने इस पैसे की डाइवर्ट किया गया, यह पैसा किसी होर थां ते लाया, उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज होवे। केंद्र सरकार का विदकरा देखने को मिलता पाया, हुण पंजाब के जिहड़े चौल हैगे आ चावल हैगे आ उह वी लैण तों मना कर। देखो केंद्र सरकार पंजाब के मतरेई माड़ा सलूक करती है, लगातार पंजाब के लोगों की बांह मरोड़ रही है, क्योंकि केंद्र को लग रहा कि पंजाब का किसान इन्हां तिना काले कानूनों का विरोध कर रहा, पंजाब का किसान लीड रह रहा, देश के दे किसान जिहड़े उन्होंने खिलाफ ने गे। सो किसी ना किसी तरीके बीजेपी जिहड़ी आ किसानी संघर्ष को तोड़ना चाहती है, दबाना चाहती है, पर लेकिन जिहड़ा चावल अज तो 2 महीने पहलां तक फिट सीगा सही सीगा, उह 2 महीने च किवें खराब हो गया। सो इत्थों पता लगता कि बीजेपी जिहड़ी आ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਆੜੀਆ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਜਾਊਗੀ 2024 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੈਅ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੜੀਆ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? देखो अज नवजोत सिंह सिद्धू कोई मुद्दा नहीं पंजाब का, अज पंजाब गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी मुद्दा गा, अज पंजाब घर घर बेरोज़गारी का मुद्दा गा, अज पंजाब के किसानी करजे माफ़ी का मुद्दा गा, अज पंजाब चल रहे माफिया राज जिन्हें पंजाब का खजाना बर्बाद किया मुद्दा गा, अज पंजाब चढ़ रहा कर्जा जिहड़ा कि 3 लाख करोड़ टप गया जिहड़ा हैगा मुद्दा गा, अज पंजाब के दलित लोग गरीब लोग जिहड़े अज पढ़ाई तो भी वांझे ने, अपनी दवाई तो भी वांझे ने, ना उन्होंने हॉस्पिटलों के कुछ मिलता गा, ना उन्होंने कॉलेजों स्कूलों से मिलता गा, ना उन्होंने रुजगार मिलता गा, अच्छे मुद्दे ने गे। अज पंजाब के होर हज़ारा ही मुद्दे ने गे, अज कोई व्यक्ति विशेष मुद्दा नहीं है। पंजाब के वक्त-वक्त जिलों से गुमशुदगी के पोस्टर लगने शुरू हो गए ने, उस बारे की कहना? देखो जेडे अपने हल्कों से नहीं जाते, जेडे जित के चंडीगढ़ ऐश आराम करते हैं एसी कमर च बैठे ने, सो उन्होंने पोस्टर लगने होंगे ने गे, वह लग रहे हैं, मैं समझना कोई बड़ा बड़ा मुद्दा नहीं है। लगता नहीं जेड़ा कांग्रेस का कलेष है वो जिहड़े पंजाब दे मुद्दियां तो भटका रहा? जिहड़ा कांग्रेस दा अंदरूनी कलेश आ उह कलेश जिहड़ा हैगा सिर्फ कुर्सी तक सीमित आ, कोई आपदी टिकट पक्की कर रहा 2022 दी, कोई जिहड़ी आ आपदी डिप्टी सीएम दी भाल च तुरिया फिरदा हैगा, कोई मिनिस्टर दी भाल च तुरिया फिरदा हैगा। सो उह इक अहुदे लैण दी जिहड़ी इच्छा गी उहनां नूं लगदा हैगा कि पंजाब विच कांग्रेस पार्टी मर रही आ, खत्म हो रही आ, आह जिहड़े 3-4 महीने रहि गए इहनां दे लई जे मिनिस्टर बन जाएंगे माड़ा मोटा बैज लग जूगा कि मैं साबका डिप्टी सीएम सीगा, या मैं साबका मिनिस्टर सीगा, या मैं साबका MLA सीगा। सो इस तरह के जिहड़े हैगे ने एक्स मिनिस्टरां दे या एक्स डिप्टी सीएम दे बैज लवाउण दी लड़ाई जिहड़ी चल रही है। विद्यार्थियों नाल विदकरा क्यों? देखो
पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि गरीब विद्यार्थी पढ़न, पंजाब जिहड़ी आ कैप्टन साहब नहीं चाहते कि आम घर धियां पुत पढ़न। सो इस गल करके जिहड़ा हैगा लोक विरोधी दलित विरोधी फैसले कांग्रेस पार्टी लै रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चेहरा नंगा हो गया कि वह दलित विरोधी पार्टी है। आम आदमी पार्टी वालों होर की किया जाए? आम आदमी पार्टी बिल्कुल 2022 की तैयारी कर रही है, असं आपका जोड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तकड़ी कर रहे हैं, अपनी जी संगठन मजबूत कर रहे हैं, मजबूत करके 2022 इलेक्शन लड़ांगे। और मैं समझना 2017 इलेक्शन लड़ के दूजे नंबर पर पंजाब आए, तो पहली बार इलेक्शन लड़ी दूजे नंबर पर आए, और दूजी बार इलेक्शन लड़न जावे तो पहले नंबर पर आवेंगे, और 2022 पंजाब सरकार बना के सारे जिन्ने पंजाब नूं रोग लगे ने गे ये सब दा अंत करांगे। जिस तरह की विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा जी ने भी गलबात की, तो उन्होंने दस्या कि आम आदमी पार्टी वालों आने वाले चोणां दे विच पूरी तरह जिहड़ी तैयारी कर ली गई है, उत्थे स्कॉलरशिप नूं लैके भी जिहड़ा है आम आदमी पार्टी वालों सरकार दे जिहड़े उपर कई सवाल खड़े किए गए हैं। कैमरामैन एकम दे नाल मनवीर सब्बरवाल, फैक्ट न्यूज़ जलंधर।